सबसे पहले हम लेंगे बैकग्राउंड, उसके लिए हम जाएंगे फाइल पे। फाइल पे जाने बाद न्यू पे जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे हम। हमने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट किया तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया है। इसके बाद जाएंगे कस्टम शेप टूल पे, यहाँ से कोई भी शेप हम सेलेक्ट करेंगे जो हमको अच्छी लगे। तो ये वाली शेप मुझे अच्छी लग रही है तो ये शेप मैं यहाँ पे कर दूंगा ड्रा। तो ये शेप मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। इसके बाद मैं और मुख्तलिफ शेप लूंगा और इस शेप के साथ ऐड करता जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये शेप मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, इसी तरह और शेप भी मैं इसके साथ ऐड करूंगा। तो ये मैंने छोटा सा डिज़ाइन बना लिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप जो आपको अच्छी लगे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक और शेप ली, वो शेप भी मैं इसके साथ ऐड करके एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो ये हमने सारी शेप ऐड कर ली है। इसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और लेयर पे जाके सारी लेयर को मैं करूंगा सिलेक्ट। जैसा कि ये मैं सारी लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सारी लेयर सिलेक्ट कर ली है, मैं करूंगा राइट क्लिक, उसके बाद मर्ज शेप कर दूंगा। ये हमारी सारी लेयर मर्ज हो गई है। इसके बाद जाऊंगा फाइल पे, प्लेस पे जाऊंगा, यहाँ से अपनी तस्वीर सेलेक्ट करूंगा जिसका मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव करके रखा है। ये मेरी तस्वीर जहां पे आ गई, अब मैं इसको कर दूंगा फिट जहां पे मुझे अच्छी लगे। ये मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है तो मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा इरेज टूल पे और यहाँ से ये मेरी थोड़ी सी लेग्स जो है इसको मैं कर दूंगा रिमूव यहाँ से। आपने ध्यान रखना है कि आप किस लेयर पे काम कर रहे हैं। अगर लेयर का ध्यान नहीं रहेगा तो आप जो काम कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि जो भी काम करें न्यू लेयर पर काम करें, हर बार न्यू लेयर लें और उस पर काम करें। मैंने इसको यहां से कर दिया है रिमूव। अब मैं जाऊंगा टेक्स्ट टूल पे, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। अब मैं जाऊंगा टेक्स्ट टूल पे और यहां से अपने चैनल का नाम लिखूंगा आसिफ प्रोडक्शन। मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया और इसको मूव डाउन करूंगा और जहां पे मुझे फिट लगे यहां वहां पे इसको मैं कर दूंगा सेट। यहां पे मुझे फिट लग रहा है तो यहां पे मैंने इसको कर दिया सेट। अब मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और तीनों लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और लेयर को मर्ज कर दूंगा। फिर जाऊंगा फाइल पे, प्लेस पे जाऊंगा और यहां से बैकग्राउंड सिलेक्ट करूंगा, कलर बैकग्राउंड, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको। मैंने इसका साइज बड़ा कर लिया और अब बैकग्राउंड वाली लेयर पे राइट क्लिक करूंगा और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। यहाँ पे आप जाके इसका जो इफेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर है, जो आपको फिल्टर अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। ये देखें दोस्तों कितने फिल्टर है यहाँ पे। आप अपनी मर्जी से जो भी आपको फिल्टर अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं।
मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं ये इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इरेज टूल पे जाके, नहीं सॉरी, पहले मैं इसको कर लेता हूँ जूम। अब जाऊंगा इरेज टूल पे और जहाँ चेहरे पे मेरे रंग लगा हुआ है इसको मैं कर लूंगा रिमूव। ब्रश का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये मैंने चेहरे से कलर को कर लिया रिमूव। ये हो गया रिमूव जहां से। थोड़ा सा जूम करके इसको मैं चेक कर लूं, ठीक भी लग रहा है ये नहीं।